प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच बातचीत, सिर्फ ब्रेकिंग रखिए पहले, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई है। बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने पर जोर, ऊर्जा, व्यापार और डिफेंस में सहयोग पर भी बातचीत। यह बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। इस ब्रेकिंग, खाली इस ब्रेकिंग के साथ सीधे चलिए आप मनीष के पास, बल्कि शॉर्ट्स भी आप दिखा सकते हैं बीच में। मनीष, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की बातचीत, अभी बातचीत की टाइमिंग को लेकर क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए निशांत, दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस हफ्ते रूस आना था, ताकि जो रूस और भारत के बीच एक एनुअल लेवल का समिट होता है, बीते कई सालों से कभी उसमें रुकावट नहीं हुई थी, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी नहीं आ पाए थे अपने शेड्यूल की वजह से, क्योंकि अभी भारत में संसदीय सत्र चल रहा है, संसद सत्र से पहले चुनाव चल रहे थे, तो प्रधानमंत्री यहाँ नहीं पहुँचे थे। उसकी वजह से रूस पर भी भारी दबाव था, रूस में भी सवाल उठने लगे थे, और इसके अलावा जो तमाम देश सोच रहे थे कि इसका मतलब भारत और रूस के बीच कोई गंभीर मतभेद है, इसीलिए आज जो प्रेसिडेंट पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत हुई है, इसके बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत मायने हैं इसके, न केवल रूस और भारत के संबंधों को लेकर, बल्कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में पूरे जियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। आपको याद होगा कि पिछले साल 6 दिसंबर को प्रेसिडेंट पुतिन दिल्ली गए थे और कुछ घंटे के लिए गए थे, लेकिन तब यह कहा गया था कि जो पुतिन कहीं नहीं जाते हैं वो कोरोना के दौर में भी दिल्ली गए थे, ताकि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ एनुअल समिट कर सके। तो इस बार रूस को यह लग रहा था कि भले ही युद्ध चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, किसी कारण नहीं आ पाए थे। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन, भारत और रूस, इन दोनों में ना तो मतभेद है ना मनभेद है।